अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीदें खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज का व्लॉग, जैसे आप लोगों को पता था, क्यू एन ए है और आपके सवाल मेरे जवाब। तो अब सवाल मुझे बताएंगी तैबा और उनके मैं इंशाल्लाह आप लोग को सही से आंसर दूंगी, जो आप लोग को अच्छे भी लगेंगे जान के। तो चलते हैं जी तैबा की तरफ और देखते हैं वो क्या सवाल लेकर आती हैं मेरे लिए। सो ओवर हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय माहा मरी। मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है। ऑल योर वीडियोस आर सो इन्फॉर्मेटिव एंड सो यूनिक। आपकी कुकिंग सबसे बेस्ट है। मैंने आपकी सब रेसिपीज ट्राई की हैं और सब बढ़िया बनी। यू लाइक अ प्रोफेशनल। क्या आप क्लासेस लेती हैं कुकिंग की या लेती थी? ऑल्सो लव यू अनाया, यू आर सो क्यूट माशाल्लाह, दैट्स सो स्वीट। वाओ, थैंक यू सो मच। आप इतनी प्यारी हो और आपको मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं, कुकिंग अच्छी लगती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हुई और बस इसी तरह है, जैसे आप देखते हो मेरा खुद से होता है करने के लिए, तो मैं इस तरह करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, इसके लिए एक बार फिर बहुत सारा शुक्रिया। और आपकी छोटी सी अनाया, आप लोग की प्यारी सी अनाया, आप लोग को अच्छी लगती है, उसका भी बहुत सारा शुक्रिया। आप खुद बहुत प्यारी हो। So these next set of questions are from Misbah Khan, and the first question in this paragraph is mera Q&A video ke liye ye question hai ki baat sahi hai ki aap sabka face dikhati hain par apna face kyun nahi dikhati? Mujhe aapko dekhna hai aap kaisi dikhti hain। तो जी सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। और फिर हम आते हैं इस बात की तरफ कि मैं सबका फेस दिखाती हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे बच्चों का चैनल देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे बच्चों का चैनल बहुत पुराना है, वो पहले से ही वीडियो करते हैं। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी कि यहाँ इस वीडियो में अपना फ़ेस शो करवाएं या आए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें काफ़ी टाइम से वीडियो करते हुए बहुत से लोग देखते भी हैं और जानते भी हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि मैं उन्हें छुपाती या ना दिखाती। और मैं अपना क्यों नहीं दिखाती, मैं उनकी वीडियो में भी नहीं आती थी, मैं काम करती थी उनके साथ सारे चैलेंजेस में, सब में उनकी हेल्प करती थी, पर ये नहीं था कि मैं अपने आप को शो करवाती थी। और ऐसा कोई मेरे साथ प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं शो करवाऊँ या ना करवाऊँ। बहरहाल मुझे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं लगती कि मैं सामने आऊँ, और ना कुछ ऐसा फील होता है कि मैं जी आपके सामने आके आपको आपको जो देखने का शौक है, तो माशाल्लाह मैं अपने बच्चों जैसी हूँ। जिस तरह मेरे बच्चे हैं उसी तरह की ज़ाहिर है मॉम है, तो वो मेरे ऊपर ही होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी मौका हुआ तो दिखा भी दूंगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई मुझे कि मैं आप लोग के सामने आऊँ, आप लोगों से मिलूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। एक और बात पूछनी थी कि बैंकॉक में आपका घर जहाँ है वो मुस्लिम सोसाइटी है या नहीं? बैंकॉक में मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं या नहीं? मुस्लिम सोसाइटीज़ मतलब ऐसा कोई ख़ास नहीं है, मैंने नहीं देखा कि बहुत कोई मुस्लिम सोसाइटी बनी हो तो वहाँ कोई और नहीं रह सकता या आ सकता। बहरहाल कुछ एरियाज़ हैं जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और मॉस हैं, सब कुछ है। यहाँ पर भी मिक्स है, मतलब यहाँ मेरे आसपास ऐसा नहीं है कि मतलब मुस्लिम नहीं रहते, बहुत सारी फैमिलीज़ मुसलमान भी हैं, सब मिक्स रहते हैं यहाँ पर। और मॉस भी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, पर यह है कि स्पेशली कोई ऐसी मुस्लिम सोसाइटी के जहाँ मतलब नॉन मुस्लिम नहीं रह सकता, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा यहाँ पर। और अहमद अब कैमरा फेस क्यों नहीं करता? पहले तो करता था। ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है कि कैमरा फेस नहीं करता, समटाइम बच्चों का मूड नहीं होता, और आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है। और आजकल क्यों नहीं आ रहा मैंने इतना नोट नहीं किया। लास्ट टाइम मैं जब ब्लॉग बना रही थी तो मैं कैमरा उसकी तरफ लेके जा रही थी, थोड़ा सा हाइट कर रहा था, तो मैंने उससे कहा शायद आपने वो चीज़ नोट की होगी। बहरहाल ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे मैं अहमद को भी साथ वीडियो में। सो दिस इज़ मिसबा खान्स लास्ट क्वेश्चन। बैंकॉक में जो ड्रैगन फ्रूट होता है, कभी उससे कुछ पका के दिखाएं ना प्लीज़। ड्रैगन फ्रूट से पका के, पका तो नहीं मैंने सुना कि कभी ड्रैगन फ्रूट से कुछ पकाऊं मैं। मैंने हाँ उसका जूस सुना है और स्मूदी हमने बनाई भी है अक्सर। उसे आइसक्रीम में, आइसक्रीम के फॉर्म में दिया जा सकता है, सलाद में लिया जा सकता है, एक फ्रूट है, आप फ्रूट की तरह उसे खा सकते हैं। और उसकी कुकिंग मुझे कोई ऐसी कोई स्पेशली नज़र नहीं आई है, और अगर कोई मिली तो इंशाल्लाह भी आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं कभी। माया खान से माय नेम प्लीज़। ओ अस्सलाम वालेकुम माया खान, कैसी हैं आप? और शी ऑल्सो आस्क्ड आपकी स्किन केयर रूटीन अपनी शेयर करें आप। हाँ इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी स्किन केयर रूटीन। आयशा एफ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? सबसे पहले तो थैंक यू आपने मेरे से पूछा और आप मेरा चैनल देखती हैं उसके लिए। और दूसरा कि मेरा फेवरेट कलर मेरा हमेशा से ब्लैक ही रहा है, पर ये कि अब थोड़ा सा कभी मूड होता है तो चेंज हो जाता है, मगर फिर भी मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ही है। सेम पर्सन ने एक और क्वेश्चन पूछा है, वो है कि डू यू लाइक स्केरी मूवीज? नहीं आयशा मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है स्केरी मूवीज़ देखने का, और मुझे डर वर भी नहीं लगता, मज़े की बात है बस। वैसे ही ज़रा
अच्छा नहीं लगता देख के। अलिया खान, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सिस्टर, मुझे आपके व्लॉग्स बहुत पसंद हैं, यू आर सो नाइस एंड पॉजिटिव। आपसे मैंने काफ़ी लर्न करती हूँ और आपके व्लॉग्स का हर वक्त इंतज़ार रहता है। माई क्वेश्चन इज, आप पाकिस्तान कब आ रही हैं? आई वॉन्ट टू सी यू एंड किड्स, लव यू ऑल सो 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 मच, स्पेशली अनाया। थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो और आपको सब अच्छे लगते हैं और आपको मेरे ब्लॉग्स देख के मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और आपका सवाल है कि मैं पाकिस्तान कब आ रही हूँ, तो जनाब जब भी इंशाल्लाह आई और आप लोगों के साथ ज़रूर मिलूँगी, शेयर करूँगी। अभी तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है मेरा आने का, तो जब भी आई आपको ज़रूर बताऊँगी। अगेन आलिया खान आज, व्हाट इज़ योर इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम मेरा पाकिस्तानी मॉम इन बैंकॉक है और आप लोग ज़रूर फॉलो करें। चलिए जी, अब देखते हैं कि इस पटारे में से क्या निकलता है मेरे लिए। द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम बतूल। बतूल, आप पाकिस्तान की किस सिटी से हैं? मेरा ताल्लुक कराची से है और साथ में लाहौर से भी है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में कराची से हूँ। सो आई रियली लाइक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आपने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया? यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया? अच्छा जी, सो फर्स्ट मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर पुरानी देखते हैं तो पता होगा कि बच्चों का भी चैनल है किड्सन प्लस, उस पर बच्चे करते थे तो बैकग्राउंड पे सारा काम मेरा होता था और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं ये चैनल करूं। और उस वक्त ये था कि बच्चे कर रहे थे, बच्चों का शौक़ पूरा हो रहा था, उसके बाद बच्चे थोड़ा सा बिज़ी हो गए स्टडी वगैरह में, तो मुझे हुआ कि मैं अपना चैनल करूं और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए स्टार्ट किया और अच्छा भी लगा और आप लोग भी देख रहे हैं, इसीलिए स्टार्ट किया है बस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अब्दुल मोइज, हैव यू एवर अडॉप्टेड अ पेट? नहीं जी, कभी कोई ऐसा चांस नहीं हुआ कि कोई पेट को अडॉप्ट करना पड़े, पर यह है कि कभी करना पड़ा तो ज़रूर अडॉप्ट करूँगी। नी कैश, योर फेवरेट प्लेस टू शॉप चिल्ड्रंस क्लोथिंग? अनायास इन बैंकॉक। अच्छा, अनाया की, तो यहाँ पर स्पेशली जो अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो सेंट्रल में आप बहुत आराम से शॉपिंग कर सकते हो और अच्छे क्लोथ्स आपको मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद रॉबिन्सन भी है, और इसके अलावा चिल्ड्रन शॉप्स जो सबसे अच्छी आपको मिलेंगी ना, तो वो मेगा भंगना है, वहाँ पे बेबीज़ के हिसाब से बहुत अच्छी शॉप्स हैं, तो अक्सर मैं उसके वीडियोस में शेयर भी करती रहती हूँ। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे एक से ज़्यादा जगह पे बहुत अच्छी सी अनाया के कपड़े जो हैं चूज़ करने के लिए मिल जाते हैं और मैं ज़्यादातर वहीं से लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अमीना द पांडा, आप पाकिस्तान कब आ रही हैं? और प्लीज़ जब आए तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ अभी मुझे ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, फर्स्ट तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने का और देखने का, और आप इतना सारा प्यार करते हो तो इंशाल्लाह मैं भी जब भी आऊँगी ना तो आपको ज़रूर बताऊँगी और आपसे आके ज़रूर मिलूँगी, और आपके लिए एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। सो दिस नेक्स्ट कमेंट इज नॉट अ क्वेश्चन बट आई वांटेड टू मेंशन इट, इट्स फ्रॉम DIY फेरी। 27 जनवरी को मेरा बर्थडे है, प्लीज़ अपनी दुआ में मुझे याद रखें, लव यू मी सोनी। अच्छा सोनी, आपको बहुत बहुत फर्स्ट तो आपकी बर्थडे की बहुत सारी विशेस मेरी तरफ से, और अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे और आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे नेक, और खुश रहो, आबाद रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। सानिया कौसर, अस्सलाम वालेकुम, अप्पी कैसी हो आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कब से बैंकॉक में रह रही हैं? मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 18 से 19 साल हो जाएंगे। द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन आर बाई द सेम पर्सन, हर नेम इज़ फातिमा खान। Coffee or tea? Tea. Same. What is your favorite ice cream flavor? Mera strawberry hai. Mera bhi strawberry hai, but sometime ye ke chocolate ka bhi mood hota hai. I like cookie dough or cookies and cream. Hmm. And do you have any pets? नहीं जी बिल्कुल, अभी तो कोई पैट नहीं है, और इससे पहले हम लोग पास फिशेस थी और कैट भी थी और टर्टल भी थे, तो उसके बाद अब ये जो 1-1.5 साल से हमारे पास कोई ऐसा पैट नहीं है, तकरीबन 2 साल ही होने को आए हैं, और फिशेस वगैरह सब अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर दोबारा ये मूड ही नहीं हुआ कि जी कोई पैट रखें, क्योंकि थोड़ी केयर के लिए उनको टाइम भी देना होता है जो आजकल मेरे पास बहुत कम होता है। फैज़ मुकीम, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वेरी गुड, कैन यू टेल मी वेयर यू बॉट दिस किचन सेट? डियर, आई विल बाय फॉर माय डॉटर। अच्छा, मैं वैसे वीडियो में अक्सर शेयर करती रहती हूँ, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये लज़ाडा से मैंने मंगवाया है, जो यहाँ की ऑनलाइन सर्विस है लज़ाडा, ये उनसे मैंने मंगवाया है, और आप वहाँ अगर यहाँ रहते हैं तो आप लज़ाडा से देख रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में है तो आई थिंक दराज पी के है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और हो सकता है आपको मार्केट में भी कहीं मिल जाए,
अगर आपको अच्छा लगा है तो उसके लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और इस सवाल के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। दीज नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंस्टाग्राम और ये है माओ हैदर से, हाउ यू मैनेज हाउस सो नाइसली। पहले तो आपके सवाल का शुक्रिया बहुत बहुत, और दूसरा ये कि जैसे कि नॉर्मल हम देखते हैं कि क्या वर्क हमें किस दिन करना है, तो उसके लिए एक चेकलिस्ट बनती है। अगर आप उसे बना लें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। उसमें वीक के वर्क, डेली के वर्क और मंथ के वर्क अगर आप उसमें लिख देते हो और आप उसको फॉलो करते हो, तो मैंने देखा है कि बहुत जो है ना लाइफ का सिस्टम आसान हो जाता है। फिर भी इंशाल्लाह कभी आगे जाके वीडियो में शेयर करूँगी मैं आप लोग के साथ। और अब आगे चलते हैं। द सेम पर्सन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग इन थाईलैंड। मैं थाईलैंड में, मैं मेरा ख्याल ये जवाब दे चुकी हूँ, और मुझे तकरीबन यहाँ पे 18 से 19 साल हो जाएंगे इस साल में, इंशाल्लाह 19 साल हो जाएंगे यहाँ रहते हुए बैंकॉक थाईलैंड में। वेटिंग फॉर योर ज्वेलरी हॉल, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे जी। आगे आ रही है वन बाय वन आपके पास वीडियो, आप लोग देखते जाएं। कुकिंग चैनल है आपका? नहीं, मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है, आप इसी पे कुकिंग भी आपको मिल जाएगी। आपकी फैमिली किधर रहती है? मेरे मदर साइड वाले जो हैं वो पाकिस्तान में कराची और लाहौर में रहते हैं, और अगर मेरे इन लॉज में से देखा जाए तो ज़्यादातर बाहर हैं सब लोग, यूएसए वगैरह में, और कुछ पाकिस्तान में हैं। व्लॉग्स में तैयबा नाया अला अहमद को देखना बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह दे सो क्यूट एंड कॉन्फिडेंट। बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खैरियत से हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोग को बच्चों को देख के अच्छा लगता है। और अब तक मेरा ख्याल है आप लोगों को पता चल गया होगा बच्चे जो हैं वो पहले भी ब्लॉगिंग और चैलेंजेस करते थे, तो इसलिए आप लोग लगता है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है, आप लोग को देख के इंजॉय करते हैं इन बच्चों को, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसके लिए फिर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। आपको अपनी फैमिली से मिले हुए कितना टाइम हो गया? मुझे कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ है, भाई की, छोटे भाई की शादी थी तो मैं गई थी, आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है, और बस इतना ही टाइम हुआ है सबसे मिले हुए। द इम्परफेक्ट परफेक्ट मॉमी, इज देयर एनी पाकिस्तानी कम्युनिटी इन बैंकॉक एंड आर दे कनेक्टेड? पाकिस्तानी कम्युनिटी तो आई थिंक एम्बेसी ही है जो कि मतलब सारी फैमिलीज़ वहाँ कम्बाइंड रहती हैं, बाकी जितने भी यहाँ पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वो सब मतलब अलग अलग जहाँ वर्क के हिसाब से रहते हैं सब लोग। और अब ओके, सो द सेम पर्सन आस्क अनदर क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज व्लॉगिंग विद 4 kids? अच्छा, तो इसका बड़ा ही आसान सा मेरे पास सवाल ये है कि मेरे बच्चों को अपना चैनल था और वो करते रहें तो उनको आदत है, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और वो भी साथ होते हैं मेरे, तो बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, अनाया जो है वो छोटी हैं बीच में, तो वो अभी से देख रही हैं शुरू से, तो आई थिंक उन्हें भी आदत हो जाएगी हमारे साथ करते करते। लव योर व्लॉग्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच डियर, और अल्लाह पाक आप लोग भी तरक्की और कामयाबी दे। दिस वन इज फ्रॉम सुमीज कुक बुक, हाई फ्रॉम मलेशिया, हाउ अबाउट सम स्ट्रीट फूड वीडियोस? अच्छा जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, दूसरा ये कि स्ट्रीट फूड आपके साथ शेयर कर दूंगी, पर कोशिश करूंगी कि जहां मुझे हलाल नज़र आए, पूरा हलाल फूड हो, वही शेयर करूं ताकि आप लोग उसे इंजॉय कर सकें। तो जी, अब देखते हैं तब क्या लेकर आई है मेरे लिए। दिस नेक्स्ट वन फ्रॉम ज़ारा, व्हाट ईयर डिड यू मूव टू बैंकॉक एंड व्हाट वर योर फीलिंग्स व्हाइल लिविंग पाकिस्तान? अच्छा जी, सबसे पहले तो ज़ारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दूसरा ये कि आपका सवाल ये है कि मैं मतलब कैसा फ़ील हुआ जब पाकिस्तान छोड़ा मैंने, तो डियर सबसे पहले तो जब लाहौर से कराची आई हूँ ना, तो सेम ही फीलिंग थी जो पाकिस्तान से बैंकॉक आते हुए थी, वही सैडनेस, वही जो बच्चियों की होती है, शादी हो गई थी, एक ही मंथ के अंदर सारा कुछ चेंज हो गया था, और फौरन के फौरन मैं बैंकॉक आ गई थी, तो वही शुरू में थोड़ा सा सैड होते हैं और सब कुछ होता है, फिर अपनी लाइफ हो जाती है तो फिर वो आदत सी बन जाती है, तो वो मुझे कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब इतना टाइम हो गया है कि अब वो फीलिंग वीलिंग क्या बताऊँ, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, अगर शादी नहीं हुई है तो। वैसे तुम ये है कि समझ सकती हो जो मैं कह रही हूँ। ओके जी, आज का क्यू एन ए यहीं तक था, और आई थिंक आप लोग को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर कोई सवाल रह गया हो या मिस हो गया हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब क्यू एन ए करूँगी तो आप लोग दोबारा से मुझसे सवाल कर लिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगी। और अगर आज का ब्लॉग और क्यू एन ए पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।